राम मंदिर का निर्माण और शिलान्यास अभी हुआ भी नहीं है और अभी से मंदिर में हर महीने करोड़ों का चढ़ावा आने लगा है। हाल फिलहाल की बात की जाए तो मंदिर में हर महीने करीब 1.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा आ रहा है। माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में इस रकम का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ेगा, यानी राम मंदिर में भक्त दान पेटी में खजाना भर रहे हैं। राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ती भीड़ के साथ चढ़ावा राशि में भी दिनों दिन इजाफा हो रहा है, जो इस समय महीने में करीब 1.5 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। 22 फरवरी को जब रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे तो रोजाना करीब 1 लाख लोगों के दर्शन के लिए पहुंचने का अनुमान भी है। इसी के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट दर्शन से लेकर प्रसाद वितरण की व्यवस्था कर रहा है। नए साल की शुरुआत में ही रोजाना 50,000 के आसपास श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो चढ़ावा राशि रोजाना 5 लाख से ऊपर पहुंच गई। इतनी बड़ी चढ़ावा राशि के रखरखाव के साथ इसे बैंक में जमा करने तक की मंदिर ट्रस्ट ने एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई है। इसमें करोड़ों की धनराशि का कंप्यूटराइज लेखा जोखा भी तैयार किया जाता है। मंदिर की चढ़ावा राशि की गिनती और इसका लेखा जोखा तैयार करने वाली टीम के प्रभारी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव बताते हैं कि जब मंदिर की व्यवस्था ट्रस्ट को हैंडओवर हुई थी तो चढ़ावा राशि करीब 70,000 रुपए मासिक ही थी। इसमें दिनों दिन इजाफा हो रहा है और चढ़ावा राशि की रोजाना गिनती से लेकर खाते में जमा करवाने तक के लिए अकाउंट से जुड़ी 14 बैंक कर्मचारी और साथ ही मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधियों की टीम काम कर रही है। चढ़ावा राशि के लिए रामलला के सामने एक बॉक्स लगा है। इसी रास्ते पर आगे 2 दान काउंटर भी हैं, जहां दान राशि की कंप्यूटराइज्ड रसीद मिलती है। 2 अन्य दान काउंटर ट्रस्ट कार्यालय और राम जन्मभूमि पद पर बनाए गए हैं। दान राशि का लेखा जोखा तैयार सालाना ऑडिट कराने वाले अकाउंट सेक्शन भी कार्यरत है, जिसमें सैलरी पर्ची और कर्मचारी रखे गए हैं। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि चढ़ावा राशि की गिनती आखिर कैसे हो रही है। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी के मुताबिक चढ़ावा राशि की गिनती मंदिर परिसर में बने एक कमरे में होती है। राशि 2 बड़े बॉक्स और 7 तिजोरी नुमा छोटे बॉक्स में डबल लॉक में रखी जाती है। इसकी एक चाबी स्टेट बैंक के पास जबकि दूसरी ट्रस्ट के पास रहती है। चढ़ावा राशि इतनी ज्यादा रहती है कि महीने भर इसकी गिनती बैंक कर्मचारियों और ट्रस्ट प्रतिनिधियों के सामने सीसीटीवी की निगरानी में चलती रहती है। गिनती के लिए बैंक के 10 कर्मचारी लगाए गए हैं। गिनती पूरी होने के बाद रकम रोजाना बैंक में जमा कर दी जाती है। चढ़ावे में 500, 200, 100, 20 और 10 रुपए के नोटों के साथ काफी संख्या में सिक्के भी होते हैं। सबसे ज्यादा संख्या 100 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच की नोटों की होती है, लेकिन ज्यादा समय सिक्के गिनने में लगता है। इसके अलावा लोग आभूषण और सोने चांदी के सिक्के भी चढ़ाते हैं, यानी राम मंदिर पर लक्ष्मी की कृपा भरपूर बरसती नजर आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट करके भी जरूर बताइए। और आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।